दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एमई के पार्ट 11 में, जिसमें हम लोग जानेंगे बल्ब में जो पैकिंग लगाया जाता है या टू फ्लेंज के बीच जो आप लोगों का ज्वाइंट लगाया जाता है ताकि लीकेज ना हो सके, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना डायरेक्शन आप लोग को दिखाई देता है कि ये आपका गैस्केट है, ठीक है, गैस्केट इसको बोलते हैं, और पैकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ज्वाइंट क्या है और पैकिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए, ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट और पैकिंग दोनों एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जो ज्वाइंट होता है वो फिक्स सरफेस पे लगता है, यानी दो ऐसे सरफेस होते हैं जो फिक्स होते हैं उस पर ज्वाइंट लगाया जाता है, और पैकिंग जो होता है, पैकिंग एक फिक्स सरफेस होता है और एक रोटरी सरफेस होता है, वहाँ पर पैकिंग लगाया जाता है। तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलिए अपना टॉपिक लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, मेरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइंट। जी, आपने सही सुना, व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट का यूज क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ज्वाइंट इज यूज फॉर प्रिवेंट द लीकेज बिटवीन टू फिक्स सरफेस। व्हाट इज द ज्वाइंट, व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट इज यूज प्रिवेंट द लीकेज बिटवीन टू फिक्स सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज होता है, और क्या कहा इसका यूज होता है, तो टू फ्लेंज, टू बल्ब, बल्ब बॉडी एंड पंप केसिंग में ये सब का यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ पैकिंग, पैकिंग का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पैकिंग। इसका आंसर हो जाएगा, पैकिंग इज यूज टू प्रिवेंट द लीकेज बिटवीन फिक्स सरफेस एंड रोटरी सरफेस। ये क्या होता है, तो पैकिंग इज यूज टू प्रिवेंट द लीकेज बिटवीन फिक्स सरफेस एंड रोटरी सरफेस। फिक्स सरफेस और रोटरी सरफेस को लीकेज होने से ये क्या करता है, बचाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है, तो वाल्व स्टीफन, वाल्व स्पैंडल है, स्टेफनी बॉक्स है। स्टेफनी बॉक्स में आप लोग जब खोल के देखे होंगे तो एक गोल राउंड होता है जिसको बोलते हैं पैकिंग। तो ज्वाइंट कैसा होता है, पैकिंग कैसा होता है, आप लोग दोनों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले को गैस्केट बोलते हैं, गैस्केट को ही ज्वाइंट बोलते हैं, और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं, जो काले रंग का उसको बोलते हैं पैकिंग, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन आ गया है, नेम ऑफ द ज्वाइंट मटेरियल, ठीक है, कुछ आपको ज्वाइंट मटेरियल का नाम बताना है, नेम ऑफ द ज्वाइंट मटेरियल, ज्वाइंट मटेरियल का आपको नाम बताना है। तो सबसे पहला ज्वाइंट मटेरियल कौन है, रेनफोर्स्ड रबर, दो नंबर पर आपका आता है, पहला हो गया रेनफोर्स्ड रबर, दो नंबर पर आपका हो गया फाइबर सीट, उसके बाद आप हो गया स्पेशल टाइप ऑफ पेपर, उसके बाद हो गया मेटलिक लाइक कॉपर। चारों आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते हैं, तो पैकिंग मटेरियल होते हैं, ज्वाइंट मटेरियल। नंबर चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ आइटम यूज फॉर द पैकिंग। पैकिंग में जो आजकल नॉर्मली यूज हो रहा है, अधिकतर सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा है, उस मटेरियल का क्या नाम है, तो उसका नाम है मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मैकेनिकल सील। उसके बाद है, व्हाट विल बी योर एक्शन यू फाइंड द वाल्व ग्लाइंड इज लीकिंग। बोल रहा है कि आपका एक्शन क्या होगा जब वाल्व ग्लाइंड जो होगा लीकेज करेगा, जो तब हमारा जो वाल्व ग्लाइंड जो लीकेज करेगा तो उसमें हमारा क्या रिएक्शन होगा। तो पहला आंसर होगा टाइटिंग द ग्लैंड स्लाइटली, ग्लैंड जो है उसको टाइट करेंगे, अदरवाइज रिन्यू द ग्लैंड पैकिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने ग्लैंड पैकिंग को क्या कर देंगे, तो रिन्यू यानी चेंज कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यूर सेलेक्ट पैकिंग और ज्वाइंट। बोल रहा है कि आप, व्हाट विल यू सेलेक्ट पैकिंग और ज्वाइंट, आप पैकिंग के और ज्वाइंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा कंसाइडर द सिस्टम, उसके बाद होगा थिकनेस, उसके बाद होगा मेटलिक विथ स्टैंड वर्किंग कंडीशन। पहला होगा आपका कंसाइडर द सिस्टम, थिकनेस, उसके बाद होगा मटेरियल मस्ट विथ स्टैंड वर्किंग कंडीशन, उसका प्रेशर क्या हो और टेम्परेचर क्या है। तो ज्वाइंट और पैकिंग के बारे में हम लोग समझ लिया, और ये आप सी पर जाइएगा तो आपको ज्वाइंट और पैकिंग दोनों काटना ही पड़ेगा। बल्ब जब बल्ब का आप मेंटेनेंस कीजिएगा, मेंटेनेंस करने के बाद आपको ज्वाइंट भी उसमें लगाना पड़ेगा जिसको गैस्केट कहते हैं, और उसके साथ साथ आपको पैकिंग लगाना पड़ेगा स्टेफनी बॉक्स और स्पेंडल के बीच में। तो दोस्तों, यही एक वीडियो थी। अब अगर वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको करेक्शन कर दीजिएगा, और बोलिएगा मैं भी करेक्शन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।